हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर सुमन। गाइस, आम का सीजन चल रहा है तो क्यों नहीं आम से कुछ स्पेशल बनाया जाए। आज हम मैंगो टर्किश डिलाइट बनाएंगे। मैंगो फ्लेवर की टर्किश डिलाइट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के पके हुए आम ले लिए हैं। इसे हम अच्छे से छील लेंगे और इसको मिक्सी जार में हम अच्छे से पीस लेंगे। गाइस, मैंगो का बहुत ही स्मूथ पेस्ट हमें बनाना है और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। गाइस, यहाँ पर जो हम मेजरिंग कप ले रहे हैं वो 200 ml का कप है, तो जो भी चीज़ें हम मेज़र करेंगे इसी से करेंगे। आप चाहें तो छोटा वाला कप भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैंगो का पल्प ले लिया जो हमने बनाया था। अब हम इसमें इसी कप से 1 कप चीनी लेंगे और उसे मिक्सी जार में बहुत अच्छे से पीस लेंगे, तो इस पाउडर को हम यूज़ करेंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर भी ऐड करेंगे। तो गाइस, कॉर्नफ्लोर से हम इसको बनाएंगे। हमने इसमें कोई भी जेलेटिन या और किसी भी तरह की चीज़ को यूज़ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अब हम इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे, तो इसी कप से हम इसको नाप रहे हैं। तो गाइस, पानी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल इसी रेशियो से अगर आप बनाते हैं तभी आपकी डिलाइट बहुत अच्छी बनेगी। तो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेज़र करके आप बनाएं। गाइस, पानी आपको ठंडा या नॉर्मल लेना है, गर्म पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे इसका बहुत ही स्मूथ सा अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, तो इसकी कंसिस्टेंसी यही रहेगी। तो अब हमारा पेस्ट रेडी हो गया है, तो आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंगो स्वीट को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने केक टिन ले ली है, तो इस तरह का मोल्ड आप ले सकते हैं या फिर आपके घर में कोई और बर्तन हो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मीडियम साइज़ का स्क्वायर मोल्ड है। इसमें सबसे पहले हम नीचे थोड़ा सा बटर लगा देंगे, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे पार्चमेंट पेपर ले लिया है तो उस पर भी बटर लगा दिया है। तो मोल्ड को हमने रेडी कर लिया, तो आइए अब हम अपनी टर्किश डिलाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर 2 बातें आपको बहुत याद रखनी है कि पहली, गैस की फ्लेम को आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, और दूसरा, इस मिक्स को छोड़ के आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना है, इसे लगातार चलाना है। तो गाइस, कॉर्नफ्लोर जो होता है वो नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। गाइस, इस स्वीट को बनने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, तो 10 से 12 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि इस तरह से स्मूथ सा सिल्की सा इसका पेस्ट बन गया है। आप इसे लगातार चलाते रहें और गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू लो ही रखें। तो गैस, ये धीरे धीरे गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 10 से 15 मिनट के बाद आप इसमें घी को मिक्स कर सकते हैं, या हम 3 से 4 चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करें और इसे अच्छे से चलाते रहें, तो धीरे धीरे ये घी को एब्जॉर्ब कर लेगा। गाइस, आपके साथ मैंने एक कराची हलवा की वीडियो शेयर की हुई है, तो वो भी कुछ कुछ इसी तरह से बनाई जाती है, लेकिन उसमें घी बहुत ज़्यादा डाला जाता है। लेकिन इस मैंगो डिलाइट में हम घी को ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें मैंगो का पल्प यूज़ किया हुआ है। गाइस, 2 से 3 मिनट में ही घी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, तो जैसे ही घी सारा एब्जॉर्ब हो जाए हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर का 2 पिंच फूड कलर को 1 चम्मच पानी में मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है, और जल्दी से हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि हमारा मैंगो डिलाइट बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। गैस को हम स्विच ऑफ कर देंगे। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ये बन जाए इसको तुरंत ही आप मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र कर दें, नहीं तो ये सेट होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हमने अपने मोल्ड को पहले रेडी कर लिया था। अब हम इसे जल्दी से ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे अच्छे से हम सेट होने देंगे। गाइस, धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा, वैसे ही ये सेट भी हो जाएगा। तो जब तक ये सेट हो रहा है, आइए हम इसकी डस्टिंग के लिए थोड़ा सा इसका पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच पिसी हुई चीनी ले ली है, जिसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर दिया है। तो इस पाउडर को अच्छे से आप मिक्स कर दें, तो जो भी पीसेज हम इसके डिलाइट के करेंगे वो इसी में अच्छे से कोट कर देंगे, जिससे ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। हमारी स्वीट बनके रेडी हो गई है और इसे मोल्ड से हम अलग कर ले रहे हैं, बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाता है। अब हम इसके पीसेस करेंगे, तो आपको जैसे पीसेस अच्छे लगते हैं आप वैसे कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहले आप इसकी डस्ट को अच्छे से इस पे फैला दें।
गैस मैंगो टर्किश डिलाइट, मैंगो जेली, मैंगो का हलवा, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे बना करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, जल्दी ये ख़राब नहीं होता है। आप चाहें तो बिना शुगर पाउडर में आप कोट किए हुए इसको एंजॉय कर सकती हैं, वैसे भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। शुगर पाउडर में कोट कर देने से ये चिपकती नहीं है, देखने में अच्छी लग रही है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। गैस ये देख रहे हैं आप, अंदर से भी कितनी सॉफ्ट और स्मूथ हमारी जेली बनी है। गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।